चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने ऐसी विधि को खोज लिया है जिसमें खजूर के एक माह के पौधे में ही जब दो पत्ते आते ही नर और मादा की पहचान की जा सकेगी। इससे किसानों का समय बचेगा। यह जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने बागवानी विभाग के मांगियाना स्थित फल उत्कृष्ट केंद्र का दौरा करने के दौरान दी। कुलपति ने यहां 29 हेक्टेयर में बने केंद्र में विभिन्न प्रजातियों के पौधों के बारे में जानकारी हासिल की। प्रोफेसर केपी सिंह ने कहा कि दक्षिण और पश्चिम हरियाणा में खजूर की खेती की जरूरत है। खजूर से यहाँ किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। खजूर के साथ ही दूसरी फसल भी ले सकते हैं। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने खजूर को लेकर विशेष शोध किया है। दो पत्ती आते ही नर और मादा की पहचान की विधि विकसित कर ली गई है। निकट भविष्य में सिट्रस की भी नई किस्में जो दूसरे प्रदेशों में कामयाब हुई हैं उन्हें यहां कामयाब करने में विश्वविद्यालय लगा हुआ है। देखिए, अब सारी दुनिया में ही इनोवेशन का ज़माना है, नवाचार का ज़माना है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी में परेशानी रहती है, एफिशिएंसी कम होती है, आउटकम कम है, इनपुट ज़्यादा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में करते हुए अब टेक्नोलॉजी का इनोवेशन तो ज़माना है और हर चीज़ में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसलिए खेती में भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर फ्रूट्स जो है ये मंगियाना में हरियाणा सरकार के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने 2009 में एस्टेब्लिश किया था और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स किसानों को देने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसानों को परेशानी आती है तो वो क्वालिटी सीड, क्वालिटी इनपुट्स और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स और फ्रूट्स में तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फ्रूट्स की जो क्रॉप है वो 3-4 साल 5 साल बाद आती है। कैसा मटेरियल लगाया ये बहुत कुछ निर्भर करता है और ज़्यादातर ध्यान में आया है कि जहाँ जहाँ अपरूट किया है लोगों ने अपने और चाड़ ख़त्म किए हैं उसका प्रमुख कारण ये था कि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल नहीं थे और थे भी तो फिर उनका एक समय था उसके बाद उगने का। तो यहाँ ये क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल का इनका सेंटर है और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के ये पुराने एलुमनाइज हैं जो भी यहाँ काम करते हैं, डॉक्टर आत्म प्रकाश जी और जितने भी लोग हैं, तो आज इसी की विजिट करके इन लोगों से इंटरेक्शन करके करने की कोशिश थी कि क्या नया हो सकता है क्योंकि ये सेंटर बहुत अच्छा कर रहा है और देश में अच्छे सेंटरों में इसका गिनती है, लेकिन और अच्छा कैसे करें इसलिए हम लोग योजना रचना वही सब बना रहे थे। तो योजना रचनाओं में हम लोग डेट पाम को कैसे पॉपुलर कर सकते हैं क्योंकि डेट पाम का ठीक ठाक यहाँ सेंटर है, लेकिन डेट पाम की क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की अभी हमारे प्रदेश में समस्या है। या तो वो गुजरात से हम लोग लाते हैं या फिर राजस्थान से लाते हैं और वहाँ से भी कैसा मटेरियल मिलता है इस बात की भी श्योरिटी एक बार तरह से नहीं रहती। तो हम लोग हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हम सब मिल के जो टिश्यू कल्चर के माध्यम से क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल डेट पाम का देंगे और न केवल प्लांटिंग मटेरियल देंगे बल्कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ एक नई टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने विकसित की है, उसका पेटेंट भी किया है कि जब शुरू में पत्तियाँ आती हैं तभी ये पहचान कर ली जाए कि इसमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, क्योंकि डेट पाम में एक बड़ी समस्या है कि जब पेड़ बड़ा हो जाता है फिर उसके डेट मेल फीमेल को आइडेंटिफिकेशन का है और फिर उसके फ्रूटिंग सिस्टम पर सब चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है। तो हम लोग पूरे स्क्रीन प्लांट बड़ी मात्रा में उगाएं और हमारा ये सेंटर उसको नर्सरी के रूप में और किसानों की आवश्यकता के अनुसार बेचे उस सब चीज़ को है। कुछ हम लोगों की कोशिश है कि नया सिट्रस फ्रूट जो है यहाँ इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, जैसे किन्नू यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उसकी कुछ नई नई वैरायटी हम कैसे लाएँ और कैसे उनको यहाँ सक्सेस करें इस तरफ हम कोशिश है। हम लोगों की कोशिश है कि यहाँ ब्राज़ीलियन माल्टा को भी हम लोग ट्रायल करके प्रमोट करने की कोशिश करें। ऐसे ही स्वीट, आजकल स्वीट ऑरेंज काफ़ी पॉपुलर हो रहा है जिसका छिलका थोड़ा आसान होता है उतरना, उसको खाना आसान होता है मौसमी के मुकाबले में, उसको हम कैसे प्रमोट करें उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे ऑटोमेशन कैसे बढ़ाएं ताकि एफिशिएंसी बढ़े। यहाँ ध्यान में आता है कि हमारे जितने भी यहाँ जैसे डॉक्टर आत्म प्रकाश हैं, ये मुख्य रूप से इसको देखते हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं इनके पास डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और आपूर्ति हम बहुत कम कर पाते हैं, इसलिए ऑटोमेशन करके या तो रोबोटिक
ग्राफ्टिंग सिस्टम करें या ऑटोमेटेड ग्राफ्टिंग सिस्टम करके बड़ी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स बना के उनकी क्वालिटी टेस्टिंग करके फर्टिलिटी टेस्ट करके जेनेटिक फर्टिलिटी टेस्ट करके और किसानों को अच्छा प्लांटिंग मटेरियल दे के हम जो ये राइस व्हीट का जो सिस्टम है इसको कन्वर्ट करके हरियाणा अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में एक अच्छा बन सकता है उसका हम प्रयास करेंगे, ऐसा योजना रचना बनाते रहते हैं। केंद्र का दौरा करने के दौरान उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय का पूरा ध्यान सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर है। सीधे खेत में पानी लगाने का वक्त अब नहीं रहा। हमारे पास अच्छी तकनीकें हैं तो हमें उन नवीनतम तकनीक का लाभ लेना चाहिए। विश्वविद्यालय किसानों के बीच सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लेकर पहले भी जा रहा है और अब इसे बड़े स्तर पर लेकर जाएंगे। शुरुआत विश्वविद्यालय के फार्म से कर रहे हैं। करीबन 350 एकड़ में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगा रहे हैं। इसके बाद 3,500 एकड़ का दूसरे फेज का लक्ष्य रखेंगे और नए शोधार्थियों को भी मांगियाना केंद्र से जोड़ा जाएगा। न्यूज़ फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट।